सो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है रेंट सिमुलेटर के एक और नए प्यारे से धमाकेदार से एपिसोड में। और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई जरूर से देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने ये प्यारा सा एक बान हाउस बनाया था, तो प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो ना भाई, भाई बल्ले बल्ले सावा सावा भाई, एपिसोड्स बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हो तो मैं भी भाई तैयार हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे खतरनाक से गेम प्लेस लाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को सजेशन देना मत भूलना कि आप लोग और कौन कौन से गेम्स मुझे खेलते हुए देखना चाहते हो। भाई पिछले एपिसोड मेरे को एक सजेशन, मतलब एक नहीं बहुत सारे सजेशन आए थे, बट तुम लोग चीज बनाने बोलते हो, तुम लोग बर्गर बनाने बोलते हो, तुम लोग बहुत सारी चीजें बनाने बोलते हो, मैं भूल गया कौन कौन सी चीजें बनाने बोलते हो। सब चीज करेंगे गाइस, अपन सब चीज करेंगे, लेकिन भाई रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे काउस वगैरह लाने, बट काउस लाने के लिए मेरे पास में बान हाउस ही नहीं है यार, मतलब मेरे को और भी बान हाउस बनाना पड़ेगा। काउस के लिए बान हाउस ही लगता है ना, जैसे कि हम लोगों ने पिग्स के लिए एक बान हाउस बनाया था, वैसा ही शायद हम लोगों को काउस के लिए बान हाउस बनाना पड़ेगा, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, यार मैंने पिग्स के लिए तो बान हाउस बना लिया, बट गेम बॉय वो बट नहीं होता है, बट होता है। बट गाइस, मैं ये चिकन कूप भाई इतने छोटी सी जगह में ना ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके लिए एक चिकन हाउस, चिकन कूप, चिकन ही हाउस बनाना पड़ेगा ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार देखो अंडे कैसे दे रहे हैं ये लोग भाई साहब, अरे पोती तोती कर दिए, ये पोती मैं नहीं साफ करेगा, इसको तुम लोग को आना पड़ेगा, तुम लोग साफ करोगे इसकी पोतियां को, मैं नहीं कर रहा भाई। एंड सबसे पहली बात, और हाँ तुम लोगों को एक चीज और बताना भूल गया कि हार्डवेयर वाले शॉप पे शायद मैंने बहुत सारे प्लैंक्स बिछा के रख दिए, मतलब कि यहाँ पर मैंने प्लैंक्स बनाए थे और इस प्लैंक्स को जाके वहां पर मैंने रख दिए हैं, उसको बेचना है करके, तो अभी तक से मैंने बेचा हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग शायद हार्डवेयर स्टोर भी जाएंगे। एंड सबसे पहली बात मैं देख लेता हूँ, ओके एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को नहीं पता है ना तो ये देखो, ये गन मेरे को कैसे मिली है, इसके भी एक स्टोरी है मेरे भाई, समझ रहे हो, इसको पाने के लिए मेरे को किस किस मुश्किलों से सामना करना पड़ा ना, ये मैं ही जानता हूँ और जो लोग देखे वो लोग जानते हैं। तो अगर ये एपिसोड नहीं देखे हो तो जरूर से देख लेना, क्योंकि भाई साहब ये शॉर्ट गन भाई मेरे को हंटर ने दिया हुआ है। वो बान हाउस देखना था ना, तो चिकन के लिए बान हाउस एक ये है प्रीमियम चिकन कूप है ये, और एक ये बिग चिकन कूप, बिग चिकन कूप और ये प्रीमियम, प्रीमियम में मेरे ख्याल से सबसे महंगा वाला है ये। ये कितना बड़ा, ये इतना बड़ा होगा, लेट्स सी देखते कि कितना कितना बड़ा हो सकता है, अभी तो ब्लूप्रिंट बनना ना, ऐसा मत सोच लेना कि बन गया, वो ब्लूप्रिंट बन रहा है, इसमें पैसे से नहीं लगते। अरे यार मैं सोच रहा हूँ कि अगर चिकन्स के लिए इतना काम ही कर रहा हूँ तो क्यों ना चिकन्स के लिए ये बड़ा वाला घर बना दूँ मैं, उनको भी खुश रहने का हक है भाई, आखिरकार उनको समझ रहे हो ना, अंडा देने के बाद मरना ही है उनको। वो बात अलग है कि मैं मार दूंगा सबको भैंस की भाई, क्योंकि मेरे को मीट भी तो चाहिए ना, उसके लिए मार देगा फोन, समझ रहे हो, कुछ भी करेगा मीट के लिए, मतलब पैसे के लिए। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि यार एक्चुअल में सच में वही सही कमेंट आ रहा था, क्योंकि मैंने मतलब जो कि मैंने बान हाउस को बहुत छोटा बना दिया यार, मैं तो इससे भी छोटा बनाने वाला था, बट मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि इससे बड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में बड़ा भी तो बना सकते हैं ना, क्योंकि मेरे ख्याल से इसको बस तोड़ना पड़ेगा लास्ट वाले सेक्शन को, एंड मिडिल सेक्शन को बढ़ा दूंगा तो बड़ा बन जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चिकन कूप है ना, उसको मैं इस तरफ नहीं बनाने वाला हूँ, मैं इस तरफ बनाने वाला हूँ ताकि ना बाद में ना बान हाउस बनाने में प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चिकन कूप मैं एक ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को भाई बहुत सारे चिकन चाहिए, अब जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर हम लोग और भी बहुत सारे चिकन लाएंगे, तो उनके लिए रहने के लिए हम लोगों को चिकन कूप बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसको तोड़ देना चाहिए, मेरे को तोड़ देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर दो भाई, क्यों बताऊं, क्योंकि यहीं पर ही मैं सोच रहा हूँ कि चिकन कूप बना दूं यार मैं, ये खाली पीली सा ना ये ऐसा ही पड़ा हुआ, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है ये, तो ऐसा करते हैं इसको, और ये फीडर भी काम आ जाएगा उनके, अरे भाई ये फीडर मैं चिकन कूप के अंदर रख दूंगा, मेरे को अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। जय बात, देखा गेम बॉय कितना जुगाड़ू है, देख रहे हो तुम लोग कितना मेहनती है ये बच्चा, कितना मेहनती है, तो लाइक कर दिया करो यार, अगर आप लोग ने लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक से गेम प्लेस देखने के लिए मिलते हैं इस चैनल पे, तो यार इसके बदले में तो तुम लोग को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई, इसकी भाई अगर तुम लोग नहीं सब्सक्राइब करोगे तो पता है तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है, ये देख रहे हो शॉर्ट गन छेद दूंगा मैं भैंस की भाई, तुम्हारे घर में आके भाई तुमको उड़ा के चला जाऊंगा, समझ रहे हो, गेम बॉय दी हंटर नाम है मेरा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले तो ये चिकन कूप बनाने वाला हूँ, चिकन कूप ये वाला ना, प्रीमियम वाला बोल के मेरे से पैसे एड तो नहीं रहना ये, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर परफेक्ट रहेगा चिकन कूप,
छोटा सा है मस्त, और इसके लिए क्या क्या चीजें लगेगा वो तो मैं देखा ही नहीं। वुड प्लैंक 65 लगेंगे, मेटल नहीं है मेरे पास में तो मेटल भी लगने वाला है, बट मेरे को जब ये है तो इसको डाल ही देता हूँ ना इसके अंदर पे। ये मैंने डाल दिया एंड ये भी डाल दिया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, मेरे पास में मुर्गियाँ नहीं है तो मेरे को मुर्गियाँ भी लेके आनी है। और मेरे को कुछ मेरे को पता चला है कि वो रोस्टर जो चिकन होता है ना वो शायद लेना पड़ता है, क्योंकि और भी आबादी बढ़ानी ना मेरे को चिकन्स की, तो वो और ये वाले चिकन्स दोनों मिलके भाई तीन चो टाटा करते हैं, फिर अंडे आते हैं, फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, समझ गया ना तुम, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को, समझदार हो तुम लोग, मेरे को पता है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। ये भाई मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ तुम लोगों के जैसा, तुम लोग बहुत गंदे बच्चे हो। एंड लेट्स गो, इसको भी डाल देता मैं। एंड एक और प्लैंक चाहिए बस, उसके बाद यहाँ पर हमारा और सिर्फ मेटल बस चाहिए, उसके बाद शायद मेरा ये चिकन कूप बन जाएगा। तो मेटल लाने के लिए मेरे को शायद हार्डवेयर शॉप पे जाना पड़ेगा, और हमारी जो लकड़ी है ना, जो प्लैंक्स वहाँ पे बिछा के रखा हुआ हूँ मैं, उसको भी अपन बेच सकते जाने के बाद में। तो अभी मेरे पास में ये वाला रास्ता बस है, शॉर्टकट जाने वाले गाइस, देखो तुम लोग को शॉर्टकट दिखलाता हूँ हार्डवेयर शॉप पे। अरे भाई जल्दी से मैं चले जाता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं हार्डवेयर शॉप पे, और ये इतने से बस सामान है जिसको मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब प्लैंक्स है जो कि मैंने बना के रखे हुए थे, क्योंकि भाई थोड़े बहुत पैसे कमाने जरूरी है ना, समझ रहे हो। अभी मेरे को सिर्फ खरीदना ही हो रहा है, मतलब कि मैं पिक्स वगैरह खरीद रहा हूँ। अरे उसके मीट भी बचा हुआ था जिसको मैंने मारा हुआ था पिछले एपिसोड में भाई, तो यार उसके मीट लानी चाहिए थी यार मेरे को। एंड रुको, सबसे पहली बात तो मैं सेल कर देता हूँ, कितने का हो रहा है, सिर्फ $800 का हो रहा है। इतने मेहनत करने के बाद में सिर्फ चुन्नू सा पैसा मिलता है $800 भाई। चलो सेल ऑल कर देता हूँ, शायद मैं सेल ऑल कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी पैसे कितने सारे हुए हैं, 5768। ठीक है कोई बात नहीं, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। अरे मेटल भी तो खरीदना था, तौबा तौबा भैया, फिर वापस आ जाना पड़ता मेरे को यहाँ पे, पेट्रोल की बर्बादी भाई। एंड सबसे पहली बात तो मेटल मैं कौन से स्टैक्स खरीदूँ यार, मेरे को कितने चाहिए थे गाइस, मेरे को कितने चाहिए थे यार, मेरे को कितने चाहिए थे, ये 500 का एक भाई 50 प्लेट्स आ जाएंगे, तो ये खरीद लेता हूँ एक। और शायद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक और खरीद ही लेता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला $100 का है, 10 खरीद लेता हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार दो मिनट रुको, एक 500 वाले ही खरीद लेता हूँ। आई डोंट नो मैं इतने सारे क्यों खरीद रहा हूँ, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा ना कि एक्चुअल में उसके लिए कितने लगते हैं चिकन कूब्स के लिए, इतने सारे तो खरीद लिए मैंने खाली पी ली। ये यहाँ पे डाल देता हूँ मैं जल्दी से, लाओ भाई। एंड मेरे को मुर्गियाँ भी खरीदनी है भाई, इसके अंदर में नहीं आने यार, मेरे को कार खरीदनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि अब देखो इसके अंदर पे मैं मुर्गियाँ लेके जाने वाला था, बट ऐसा नहीं लग रहा कि अब मैं मुर्गियाँ इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर इसको रख सकता हूँ मैं, नहीं रख सकता भाई, ये गलत बात है यार इन लोग, अरे रख सकता हूँ मैं, मेरे को नहीं पता था उस टाइम, नहीं आ रहा था ना तो गड़बड़ हो गया था भाई। एंड इसको मैं इसके ऊपर रखा जाए यार, क्योंकि मेरे को मुर्गियाँ रखनी है ना, अभी जनरल स्टोर पे भी जाना पड़ेगा मेरे को। लेट्स गो गाइस, अभी मैं जनरल स्टोर पे जाता हूँ। सो गाइस यार जल्दी से मैं जनरल स्टोर पे चले जाता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। A few moments later. Okay guys, finally मैं आ चुका हूँ जनरल स्टोर पे। एंड जनरल स्टोर पे भाई, अबे रुक जा, मेरे को मुर्गियाँ खरीदनी है, मुर्गियाँ ले लो मुर्गियाँ। और आंटी क्या हालचाल भाई, तुम लोग को पता ही शक्तिमान की फुफी है भाई, तुम लोग को पता चलेगा पिछला एपिसोड देखो ना, मतलब की प्रीवियस एपिसोड, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक है वो। अरे हाँ ये रोस्टर खरीदना पड़ेगा, अबे भाई ₹200 डायरेक्ट एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, क्या करूँ, लेकिन लेना पड़ेगा मेरे को, लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार इसको, लेना पड़ेगा यार लेकिन इसको, लेट्स सी इसको देखता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो इसको लेने के बाद में इसके लिए जगह कितना लगता है इसको रखने में, उसके बाद में और भी चीज़ें खरीदूंगा, मतलब और भी रोस्टर्स खरीद लेता हूँ मैं। अबे नहीं नहीं छोड़ने का नहीं था रे, हैं मेरी मुर्गी का टेटवा दबा दिया भाई, मैं ये मर ना जाए भाई, भाई गंदा पकड़ा भाई इसने, जालिम दुनिया है भाई, बेचारी मुर्गिया के साथ में कितनी जालिम चीज़ें होती है भाई। एंड यहाँ पर मैं ये काउस वगैरह भी खरीदना है, बट ठीक है अभी पता नहीं, काउस में नहीं, काउस बहुत महंगे, ये जो पैसे दिख रहे हो ना ये 4000 कुछ ऐसे हैं भाई, दिवाला निकल जाएगा मेरे को, तो अभी रुको थोड़े पैसे कमा लेते हैं, अच्छे पैसे आ जाएंगे तो धीरे से बान हाउस बनाएंगे, उसके बाद फिर काउस वगैरह लाएंगे अपन, भाई साहब मजे आ जाएंगे। अभी बीफ काऊ वगैरह आप लोग बोल रहे थे, मैं कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा था, एंड आप सभी लोगों का कमेंट्स रीड करता हूँ भाई, समझ रहे हो। एंड एक और खरीद लेता हूँ इसको, शायद मैं कितने ले जा सकता हूँ एक कार में, मतलब एक छोटी सी जीप में, यूटीवी या यूवीटी जो भी नाम है यार इसका। अबे क्या कर रही है तू, जल्दी जरा
कैरी ऐसे पानी पानी गिरते रहता है भाई इधर हमेशा, मैं पानी से परेशान हूँ। मतलब एक और आ सकता है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या चुभ रहे हैं भाई यहाँ पे। दाना ना दिया नहीं मैंने इन लोगों को, पता नहीं क्या ही खा रहे हैं लोग। वे मेरा गाड़ी तो नहीं खा जाएंगे ना दाना समझ के भाई। मेरे रेंज के चिकन कूप में कितनी मुर्गियां मेरे पास चिकन जो थी ना वो दो थी। अबे यार रोस्टर नहीं भाई, मैं नहीं खरीद रहा रोस्टर, मैं ये चिकन खरीद रहा हूँ, मेरे को पैसे बर्बाद नहीं करने और भी। अच्छा ऐसा करते हैं क्या, ठीक है ये व्हाइट वाला लेके जा रहा हूँ मैं नॉर्मल चिकन। एंड बंद कर भाई इसके दरवाजे को। अबे आ जा इधर आ तू मेरी प्यारी सी मुर्गी, ये व्हाइट वाली बहुत अच्छी लगती है ना, क्यूट क्यूट सी। एंड इसको रख देता हूँ मैं। बेटा यहाँ से निकलोगे तो बिरयानी बना के खिला दूंगा कौओं को, समझ रहे हो। यहाँ से नहीं निकलने का है, मेरे घर जाने का है, मतलब मेरे रेंच पे जाने का है। लेट्स गो। और इनके लिए मैंने खाना पीना वहीं पर ही लेके रख दिया है। और सबसे पहली बात मेरा रेंच कहाँ पे भाई, रेंच सीधा सीधा भाई। लेट्स गो, कच्चे रास्ते से जाऊंगा मैं तो। A few moments later. Let's go भाई। And ये लाओ भाई, कितना चाहिए था? अबे 35 चाहिए था, मैंने कितने प्लेट्स उठा के ला लिए। गेम पर तू सच में गधेड़ा है, मान ले भाई इस बात को। पैसे बर्बाद बर्बाद तो नहीं हुआ ना, क्योंकि और भी बॉन हाउस बनाऊंगा मैं। बॉन नहीं, बॉन हाउस बनाऊंगा मैं कुछ भी बोलते रहता हूँ यार। और इनके और भाई कितनी अच्छी ब्रोज के कितने अच्छे घर है। और ये क्या चीज है फिर, ये नीचे क्यों दिया हुआ है यार। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुर्गिया ना मैं यहाँ पर बिस्तर बिछा के सो जाऊँ, मैं इतना मस्त सोने का दिया है, ये सोने का ही तो है क्या ये फीडर। अबे दो मिनट रुको भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसके ऊपर मैं वर्क कैसे करूँ। ये नीचे क्यों दिया हुआ है? अच्छा ये मुर्गियों के आने जाने का मतलब खेलने के लिए जगह दिया हुआ है, ये जलिया दिया हुआ है। इसको मैं कैसे उठाऊँ, मैं इसको उठा नहीं सकता हूँ भाई। इनको मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं सीरियसली उठा नहीं सकता। मैं कैसे उठा सकते हैं इनको, डिमोलिश ही करना पड़ता है। अबे तो गड़बड़ हो गई बे, कोई बात नहीं मैं इन्हीं का उसका बना लेता हूँ ना मैं। ओके फीडिंग वाली चीज़ें शायद इसमें रहती है, तो ये मैं फूड आई गेस ये छोटा नहीं छोटा वाला बनाऊंगा मैं, स्मॉल ये बनाऊंगा मैं इनका एक्चुअल। अबे बैठ जा भाई, और मैं शायद खाना ना इस पानी का इस तरफ, ये फूड वाला ही तो है ना। ओके ठीक है फूड वाला है, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। एंड वाटर वाला इस तरफ रख देता हूँ मैं, बढ़िया रहने वाला है गाइस। एंड इनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगा मेरे को, सिक्स प्लैंक्स चाहिए रहेंगे इसके लिए भी सिक्स। अरे नॉट बैड रे, मिल जाएगा हो जाएगा भाई। एंड अरे इसके लिए झुकना पड़ता है यार। एक बात बताओ गाइस, और मैं मुर्गियों के अंडे कैसे लूँगा इसके घर के अंदर आके, ऐसे उठाने पड़ेंगे मेरे को कुछ। अबे यार ये तो मैं भी बना सकता था फिर तो, ये तो एकदम ईजी है। खामाखा इसके लिए पैसे क्यों दिए फिर मैंने इतने ज़्यादा यार, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, गड़बड़ करा दिया भाई इन लोगों ने। और सबसे पहली बात मेरे को मुर्गियों के लिए खाना भी तो डालना पड़ेगा ना, तो ये दाना डाल देता हूँ भाई मैं, ये दाना मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। बैठ जा भाई बैठ जा, बैठता भी नहीं है ये। वाटर वाला है भाई ये, फूड वाले में डालने का इसको। एंड अभी वाटर भी तो चाहिए ना इन लोगों को। लेट्स गो, मेरा बकेट किधर है? बकेट के ऊपर में इस तरफ पानी डालना पड़ेगा ना मेरे को, पानी ही नहीं है इसके अंदर पे। पानी था क्या? नहीं 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 था, भर गया पानी। लेट्स गो, जल्दी से पानी भर लेता हूँ मैं। और गाइस इसी के साथ में हमारा चिकन कूप जो है वो रेडी हो चुका है। लेट्स गो, अभी मैं अपने चिकन्स को यहाँ पे अंदर लेके आ सकता हूँ मैं। तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे ना, नहीं तो रैप्टे पड़ जाएंगे भाई। पिक्स ना भाई कितना परेशान कर रहे थे, एक दो को तो ठोक ही दिया था मैं। ठोकने में बड़ा मजा आया था, लेकिन भाई गन निकाल के जो पेलम पट्टी किया ना मैं उन लोगों के साथ में, आय आय मजा आ गया था। लेट्स गो। और मैं उड़ी क्यों मार रहा था यार, ये वाला कूप बहुत घटिया है, बट ये वाला कूप बड़ा है लेकिन मेरे को उतना खास नहीं पता नहीं यार, देखते हैं। एंड इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अभी बाहर निकल जाएंगी ये, गेम बॉय पागल प्राणी है क्या तू? अंदर रख भाई इनको, इनको अंदर रखो भाई, इन लोग भी बाहर आते हैं भाई, ये तो गड़बड़ हो गया रे। वैसे में तो भाई स्कैम हो जाएगा, ये लोग तो हमेशा बाहर निकल जाएंगे। जब भी मैं दरवाजा अंडा लाने दरवाजा में जाऊंगा तो ये तो ऐसे ही मेरे ख्याल से निकल जाएंगे। अबे भाई इनको भी पकड़ पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब कि बुरा हालत होने वाला है गाइस मेरा, अकेले कितना कितना काम करूँ भाई मैं। ये देखो दरवाजा खुला नहीं होता कि सालों को अंदर आना होता है, मतलब बाहर जाना होता है। हरामी कहीं के मुर्गियाँ, ओ मुर्गिया यहाँ पे आराम से आ रही है दाना चुगने। अबे खाना तो इधर है, तुम लोग उधर क्या चुग रही हो भाई? पता नहीं कुछ भी भाई स्कैम है भाई इन लोग के साथ में। एंड लेट्स गो, उधर कुछ होगा यार उनके लिए खाना, तेरी ऐसी की तैसी गोली मार दूंगा मैं अभी। भैंस की
इतना बड़ा घर बनाया हूँ, ये जितने भी कम है के साला। दिमाग खराब भाई, यहाँ रहा है चुपचाप से अंदर, बता रहा हूँ ना, भूरता बन जाएगा तेरा, भूरता नहीं भरता बोल, क्या जो भी बोलते हैं भैंस की भाई। हाँ नहीं तो यार, ये देखो ये बाहर ही आ रही है तुम्हारी, ऐसी की तैसी भाई। बच्चे पैदा करो बस, तुम लोग तादाद बढ़ाओ, अंडे अंडे दो भाई मेरे को, माला माल होने जल्दी से मेरे को। गाइस यार मेरे को माला माल होने के और भी तरीके बताओ। अबे तेरी भैंस के, ये निकल गया भाई। अबे बैठ जा भाई, अंदर छोड़ो बे। अबे ये तो मेन भाई, 250 रुपए का है तू साले, चुपचाप रह यहाँ पे, रैप्टे पड़ जाएगा तेरे को। नहीं तो यार इनके लिए और भी कोई दूसरा खाना लगता तो नहीं ना, पता चला मैं पिग वाले खाने इनको खिला रहा हूँ, ये खाते ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना मेरे भाई लोग। एंड आप लोग बताओ कि यार ये चिकन कूप कैसा लगा, मतलब कि ये मेरे को नॉर्मल लग रहा है, उतना ज्यादा मतलब हैवी नहीं लग रहा, मतलब मजा। वॉट, मेरे साथ स्कैम हो गया। मैं ऊपर से डाल रहा था चिकन को भाई, गेम बॉय घुचड़ू हूँ भाई, मैं घुचड़ू हूँ, घुचड़ू हूँ, मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ। आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, ये देखो नीचे से चिकन, मतलब ये चिकन को डालने के लिए जगह है, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में। हाय रब्बा, क्या होगा मेरा, और यहाँ से मैं से जा भी सकता हूँ। ओ माय गॉड, ये अभी पता चला मेरे को, वाह गेम बॉय। और अबे 2 मिनट, फीडिंग की चीजें मतलब कि नीचे रखनी होती है मेरे ख्याल से, जो मैंने ऊपर में बनाया हुआ है, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो मेरे को कमेंट करके बता देना भाई मेरे को। भाई मतलब वो प्रॉपर उनकी सोने की जगह, और सोने की जगह में शायद मैंने फीडिंग वाली चीजें रख दी, मतलब कि फूड वूड वगैरह लगते ना वहीं पर रख दिया मैं। मतलब यार मेरे को ना प्रो बनना पड़ेगा भाई, मैं प्रो हूँ इस गेम में, बट तुम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन मैं हूँ, समझ रहे हो तुम लोग, मैं हूँ। एंड गाइस यार सुबह से रात होने वाली है, मतलब कि अब रात होने वाली है। एंड आप लोग बताना कि यार आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। एंड आज का एपिसोड में मैं ये चिकन कूप बनाया था, बट ऐसे ही और भी क्या क्या चीजें करूं आप लोग धड़ाधड़ कमेंट करके बताना। बट ऐसा नहीं है कि जो कमेंट्स आप लोगों ने अभी किया तो वो नेक्स्ट एपिसोड में वो इम्प्लीमेंट कर ही दूंगा मैं, मतलब समझ रहे हो ना कि धीरे धीरे वो चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ता है भाई, एक वीडियो में पूरी चीजें नहीं कर सकता हूँ मैं, आप लोगों को भी पता है। तो अच्छे अच्छे सजेशंस देना, अच्छे अच्छे आइडियाज देना, ताकि मैं इस रेंज को और भी बड़ा बना सकूं, और भी पैसा कमा सकूं, और मेरे दादा को मैं प्राउड फील करवा सकूं, क्योंकि मेरा दादा दिन नहीं रहे, मेरा फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो पता चल जाएगा क्या हालत हुई मेरे दादाजी की, मतलब कैसी हालत हुई है मेरे दादाजी की। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग मेरे इस जर्नी पे मेरे साथ रहोगे, है ना, रहोगे ना, ठीक है। तुम लोग हाँ बोल रहे हो तो इसी बात पे लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही और भी धमाका करने वाला हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है ना, तो आप लोग क्रिम्सन स्नो वाली गेम को देख लेना, मैंने खेला हुआ है, तो उसमें तुम लोग को पता चल जाएगा मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस यार मैं चलता हूँ आप लोग के लिए ऐसे और तबाहीदार गेम्स रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।